हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे सब कुछ अपना लाइफस्टाइल के बारे में आप सबसे शेयर करने की आदत है, क्योंकि मैं वैसे भी लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ और मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे भी हमेशा जो भी मेरा डे टू डे रूटीन होता है, मैं क्या पहन रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, कहाँ से कौन सी चीज ली, वो सबका इन्फॉर्मेशन आप सबको देती हूँ। और स्पेशली जो ब्लॉगर्स है उनको इस चीज से बहुत ये वीडियो से हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है, तो फोटोज क्लिक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरी वॉल्स भी घर की खराब हो चुकी थी और हम अभी पेंट वाले को भी बाहर से बुला नहीं सकते थे, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ नहीं है बाहर से किसी को बुलाना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था, तो हमने अपनी कैफे घर को, जो अपनी वॉल को, स्पेशली जो मेरा एक कॉर्नर था, हम पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन मेरे रूम को हमने थोड़ा सा रेनोवेट किया है। आप पीछे देख भी सकते हैं और इस वीडियो में आप आगे देखेंगे, इससे आपको आइडिया मिलेगा, ताकि आप भी घर पे इस तरह से अपना एक कॉर्नर बना सकते हैं बिल्कुल इजी, कम पैसों में, और बहुत अच्छा लुक आता है। तो आप ये वीडियो देखिए और लास्ट में पूरा वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूम की हालत देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे सबा ये क्या हाल बना के रखा है, लेकिन इतने दिनों से मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि यूट्यूब भी, फिर इंस्टाग्राम भी, और हमने स्टार्ट किया। तो ये जो लाइट्स लगा तो दो कर्टन में, लेकिन जब निकालो तो बहुत मेहनत होती है, क्योंकि आप जितने बार कर्टन चेंज करोगे वॉश के लिए, उतने बार आपको वो टेप वेप प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो हमने ये वो जो स्टार लाइट लगाई हुई थी यहाँ पे, अभी हम उसको निकाल रहे हैं और ये निकालने में हमें बहुत टाइम। तो चलो हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं, कहाँ जाने के लिए? कट कट कट, कहाँ जाने के लिए? सफाई करने के लिए। तुम्हें क्या लगा सच में हम कहीं जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, तुमको लगा कि मैं क्या डायलॉग बोलूँ ना? कोई नहीं होता है, बी रियल रेहान, कट करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ठीक है, नहीं पता तो पूछ लिया। तो अभी हम लोग रेडी हो गए क्या करने के लिए? सफाई करने के लिए। तो चलो अभी हम लोग थोड़ी देर से मिलते हैं। और ये देखो ये सब क्या पड़ा हुआ है, ये बैग लेके तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें हम लोग पार्सल्स रखेंगे सारे। और ये सारी लाइट्स है, ये वॉलपेपर है अमेजोन से जो भाभी ने दिए हैं, और ये सारी चीजें जो पीआर में आती है, अभी हम इसको सेट करेंगे और आप सबसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो अभी हम ये वाली लाइट लगाएंगे यहाँ पे, हमने कर्टन चेंज कर दिए है, एक बार चेक कर लेते हैं। रेहान दो, एक साल बाद जाके लाइट सुलझी हुई है। जिन्होंने भी अपने घर पे लाइट लगाई होगी वो मेरी बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि ये लाइट ऐसी उलझ जाती है ना कि घंटों लग जाते हैं इसको ठीक करने में। अब मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लगा दिया है टेप से और अब हम चेक कर रहे हैं। मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइट्स के बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। तो ये लाइट्स बहुत लंबी थी, तो अब हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट टेप से इसको इतना नीचे से फोल्ड कर दिया ताकि ये किसी के पैरों में ना आए। रेहान को देखो। बोल रहा था ये शॉर्ट मत लगाना, खुजाते हुए मैंने लगा दिया। हम लोग यहाँ पे सारे अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें जो रूम में थी हमने उनको हटाना शुरू किया, वरना तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, बहुत टाइम लग गया था ये सब करते करते, क्योंकि लाइट्स ये सब लगाने में जितना इजी लग रहा है ना, जब इसे लगाओ तो बहुत मेहनत होती है। अब बारी आती है हमारे मेन काम की, हमारे जो वॉल है हम उस पर अब वॉलपेपर लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे अपना ये वॉलपेपर लगाएंगे, ये खुला है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखाऊं। तो ये ऐसा रेडीमेड वॉलपेपर है, हमें इसके पीछे से ग्लू निकालना है और हम इसको अपनी ये वाली वॉल पे लगाएंगे, क्योंकि ये जो वॉल है, कौन सी थी ये इधर वाली, ये पे थोड़ी सी ख़राब हो गई है और अभी हम पेंट नहीं करा सकते, लॉकडाउन है, हम किसी को बाहर से बुला नहीं सकते, तो हम ये ट्राई करते हैं और ये देखते हैं कि ये लगता है कि नहीं। तो पहले हमने सोचा कि हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फिर हमने ऊपर का सारा मेजरमेंट लिया,
सारी चीज़ें करी। फिर हमें बाद में लगा कि ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए, क्योंकि ये पहले का था, हमने उसको एग्जैक्ट नहीं मंगाया था नाप के कि कितना लगेगा। तो हमने सोचा नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स में या वीडियोस बनाने में हमें नीचे से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसको निकाला, इसे इस तरह से निकालना है, और बस इसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एक बार भी चिपक गया तो फिर दोबारा उसको निकाल के हम सही से नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। और बस ये चिपक गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। साइड के लिए हमको इसको कट करना पड़ा, क्योंकि ये एक मतलब इतना ही साइज़ में था, तो हमें इसको कट करना था, तो हमने इसको स्केल से मेजर किया। ठीक है, स्ट्रेट है? हाँ। मुझसे कभी भी स्कूल में ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं खींचते। हाँ, अब मतलब पहले नहीं बनती थी, लेकिन अब से बनने लगी अभी अच्छे से। अपने दुश्मनों को याद करके मजाक से, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अभी हम लोग काम करते करते थक भी गए थे थोड़ा, तो कुछ ब्रेक बनता था तो हम लोग जैम ब्रेड खा रहे हैं। हमारा नाश्ता ब्रेक। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो हम इतनी देर से वॉलपेपर लगा रहे थे, इस वॉल पे वो हमें लगाना था, क्योंकि ये वॉल, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे एक फोटोग्राफ्स के लिए कोई भी एक ऐसा अच्छा कॉर्नर चाहिए था। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने पेंट ऑर्डर किया है, हम यहाँ पे पेंट प्लग करेंगे। तब तक के लिए मेरा ये कॉर्नर ठीक हो गया, मैं यहाँ पे आराम से फोटोग्राफ्स खींच सकती हूँ। और ये हमने लाइट लगाई है, और अभी ये देखिए, अभी हम लोग को 2 घंटे हो गए काम करते हुए, और ये सब अभी ऐसे ही पड़ा है, अभी हमें इसको अनबॉक्स करना है, और अभी ये ऐसे ही है। और अम्मी कह रही हैं, तो अम्मी कह रही हैं कि अभी खाना खा लो, 9:30 बजने वाला है, उसके बाद हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी वीडियोज़ लूँगी, और बहुत अच्छा बैकग्राउंड आएगा। ये जो मैंने अपने पिंक दुपट्टा बांधा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सामान में निकला है, इसको भी मैं डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। अभी मैंने इसको खुद पे डाल लिया हुआ है, और मैं एक्स्ट्रा सामान जो है वो हटा रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो निकली हैं। पहले मैंने ये वाली स्टारलाइट लगाई हुई थी, ये कर्टन्स पे काफ़ी टाइम से लगी थी, लेकिन हमने ये नीचे तक नहीं आती है, तो अभी हमने इसको निकाल दिया है, अब हम इसको ये साइड वाली वॉल पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे वो जो चिपकाने वाले हुक्स नहीं आते हैं, वो वॉल पे चिपकाए हैं, और ये दुपट्टे पे होल किया, और इस तरह से देखिए ऊपर लगा दिया, और उस पर ही हमने लाइट भी टांग दी है। इसको हम हिलने वाली भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये वॉल थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पेंट नहीं है, पेंट ऑर्डर किया है, जब आएगा तब कर लेंगे। ये पीआर का सूट आया हुआ है, इसको भी संभाल के रखना है, क्योंकि अभी इसको स्टिच कराना है, फिर पहन के डालना है, ये सारी चीज़ें। इसलिए पहले मैंने सोचा कि मैं साइड में रख देती हूँ, उनमें कुछ भी ख़राबी नहीं आनी चाहिए। काम करते करते ये मिल गया। रिजा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है, रिजा नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती हैं, उसके सारी चीज़ें करने से हिम्मत आ जाती है, वरना अकेले मुझे समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। और रेहान भी हेल्प कर देता है। देखो, जैसे अभी कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया है।
बस वैसे तो सारा काम हो गया है, लास्ट लास्ट का सिर्फ झाड़ू बचा है और ये सारी चीज़ जो है ना वो चिपक गया था, वॉलपेपर का जो टेप है ना वो उस बहुत चिपक गया था, तो वो आज मैंने उसको ऑयल डाल के निकाला है क्योंकि उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो जो थोड़े से वॉलपेपर्स बचे हैं इसको हमने बाहर संभाल के रख दिए हैं क्योंकि अगर ये निकल गया या कभी हमें ज़रूरत पड़ी, और ये टैडीज हम इसे धोने के लिए डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने ये लाइट्स को ऑन कर दिया है और इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, तो हमने चेंज कर लिया है और ये सारी चीज़ें मैं साइड में रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, हमारा जो बेसिक काम था, जो मेन काम था, जो बड़ा काम था वो हो गया। हमने कर्टन चेंज करे, हमने यहाँ पे मिर्ची लाइट लगाई है और आप अगर जो देख सकते हैं तो हमने ये लगाया है वॉलपेपर, ये रखा है और यहाँ पे हमने ये दुपट्टे से किया है और यहाँ पे ये लाइट लगाई है। तो हमारा जो मेन काम था वो हो गया है। अभी ये सारी चीज़ें बची हैं, ये जो PR की चीज़ें हैं, अभी इनकी पोस्ट डालना है, सबको संभाल के रखना है, कैसा क्या है, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि अरे आपने हमारी चीज़ को सही से नहीं डाला। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ होती है। तो आज के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, मैं इसको कल आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगी और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, हम कल मिलते हैं। मेरे रूम के नए कॉर्नर के इनॉग्रेशन के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था कि भाई नीचे आए थे, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठो, मैं आपको वीडियो लूँगी, मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करूँगी और देखो कितना अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा है ना? अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और कुछ आइडियाज़ भी दीजिए कि मैं इसे और क्या कर सकती हूँ। और अब ये भाई अपने गिटार को साफ कर रहे हैं, गिटार तो भाई की जान बन गया है। देखिए ये कर्टन्स हमने चेंज किए, यहाँ पे हमने लाइट लगाई है। अब मैं इसको भी अपने बैकग्राउंड की तरह यूज़ कर सकती हूँ फोटोग्राफ्स में, अगर मेरे आउटफिट में इस तरह के कलर नहीं हुए तो। उसके बाद हमने ये जो वॉल लगाई है ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आराम से खड़े होके अपने कोई भी फोटोज क्लिक कर सकती हूँ। बस मुझे एक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ये रिंग लाइट है। हमने यहाँ पे ये एक वास रख दिया है जिसे हम यहाँ पे रखेंगे और मैंने ये कर, अब जैसे देखें ये वॉल यहाँ पे ख़राब हो रही थी तो अब मैं यहाँ पे खड़े होके बनाती तब भी चलता, जैसा भी आप वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलता। आप क्या बता रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि वॉल। लेकिन अगर आप ठीक कर सकते हैं तो आपके लिए और अच्छा है। तो ऐसा होने से ये अगर आप एक वॉल पेपर लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे तो देखिए थोड़ा चेंज आ जाता है, बहुत है ना। तो बहुत इजी था, आपने इस वीडियो में देखा होगा, तो आप भी ऐसा कर लीजिए अगर आपको ठीक लगे। नहीं लगे तो आप यहाँ पे दो कुछ भी लगा के, मतलब कुछ भी आप कील लगा लें या टेप से भी एक अच्छा सा सैटन का कपड़ा ले लें और वहाँ पे ऐसे करके इसको लंबा डाल दें। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, मैंने देखा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको बस एक कॉर्नर बनाने की ज़रूरत है और एक लाइट, लाइट से थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है। Thank you so much for watching my video. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. और हंसना और खुश रहना और घर वालों का ख्याल रखना भी मत भूलना, और दुआ में भी याद रखना। फिर मिलेंगे, अल्लाह।